हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मोहित मैथ्स गुरु द्वारा। हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट 6 तक तो हम कर चुके हैं प्रॉफिट फंक्शन। अब हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं जिसमें आएगा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में एक छोटा सा फ़र्क रहता है। कंज्यूमर सरप्लस को हम सी एस से डिनोट करते हैं और प्रोड्यूसर सरप्लस को पी एस से। और लिमिट तो लगती ही है इसमें, हमारी लिमिट एक्स जीरो और यहाँ भी एक्स जीरो ही रहेगी। यहाँ पे पहले एफ एक्स डी एक्स आया है और माइनस पी जीरो एक्स जीरो पीछे आया है माइनस में, और प्रोड्यूसर सरप्लस में पी जीरो एक्स जीरो जो था वो पीछे था माइनस में, इस बार आगे आ गया और माइनस या जी एक्स कर दिया, जी एक्स डी एक्स। और जी एक्स और एफ एक्स में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों में ये पी है। हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस में जी एक्स को पी डिनोट करते हैं और कंज्यूमर सरप्लस में एफ एक्स को पी डिनोट करते हैं। एक्स जीरो हमारी क्वान्टिटी रहेगी, पी जीरो हमारा प्राइस रहेगा, ठीक है। पी और पी जीरो में भी कोई फ़र्क नहीं है, पी एक पूरा डिमांड फंक्शन है और पी जीरो उसी डिमांड फंक्शन का कोई पॉइंट है। क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं हम लोग। इफ़ द डिमांड फंक्शन इज पी इक्वल टू 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट विल बी द कंज्यूमर सरप्लस। हमें क्या निकालना है इस बार, कंज्यूमर सरप्लस जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ एक्स जीरो और जीरो एफ एक्स डी एक्स माइनस पी जीरो एक्स जीरो। और हम लोगों को जो निकालना है पहले पार्ट के अंदर एक्स जीरो फाइव दिया हुआ है और हमको सॉल्व करना है कंज्यूमर सरप्लस। अब हम लोगों के पास पी जो दिया था, अब हम फॉर्मूला जब लगाते हैं तो उसमें पी जीरो एक्स जीरो की जरूरत पड़ती है। एक्स जीरो तो है, पी जीरो नहीं है, वो हम पी में निकाल सकते हैं, पी में पुट करके। रियल में जीरो को एक्स नॉट भी बोल देते हैं, पी नॉट भी बोल देते हैं पी जीरो को। तो हम लोगों को यहाँ पी जीरो जो निकालना है 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर में, तो एक्स ही मेरा एक्स नॉट है, पी ही मेरा पी नॉट है। तो इस पी में क्वेश्चन में दिया था, इसको हम पी नोट और 85 माइनस 4 इस एक्स नोट को हम एक्स में पुट कर, तो हम लोग इसमें क्या पुट कर देंगे 5, यहाँ पे आ गया 5x की जगह पर और माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 85 माइनस 20 माइनस 25 ये हो गया माइनस, माइनस प्लस माइनस 45, 85 माइनस किया तो कितना है 40। तो पी नोट और एक्स नोट दोनों मिल गए हम लोगों को। फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अब सरप्लस का फॉर्मूला, सी एस का फॉर्मूला, एक्स नॉट जीरो एफ एक्स डी एक्स माइनस पी नॉट एक्स नॉट। हाँ, वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी 5 5 0, एफ एक्स हमारा पी होता है, यही पी क्वेश्चन में जो दिया था, ये हो जाएगा 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स, फिर माइनस पी नॉट एक्स नॉट, और पी नॉट आया था हमारे पास 40 और एक्स नॉट था 5, 40 इंटू 5 ये हो जाएगा सॉल्व करके सी एस, और इसका इंटीग्रेशन होगा 85 का इंटीग्रेशन 85x हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 हो जाती है पावर, इसकी ऐड हो जाती है 1 में, 1 प्लस 1 2 हो गया, डिवाइड में 2 वही आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली करेंगे तो x की क्यूब बाई 3, और लिमिट आ जाएगी 5 और 0, और माइनस ये 45 इंटू करेंगे तो 200। इसमें एक बार 5 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है लिमिट में, तो 85 इंटू 5, ये 2 कैंसिल आउट हो गया था 4 से, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 क्यूब बाई 3 माइनस, ये 0 पुट करेंगे सारे में x है तो 0 ही आने वाला है ऐसे, तो 85 इंटू 0 एक बार पुट करके दिखाते हैं, 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 इंटू क्यूब बाई 3 माइनस, और इसके पीछे जो वैल्यू थी वो माइनस 200 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो गया सारा वैल्यू, ये बचेगा और ये बचेगा, ये हो जाएगा 85 इंटू 5 425 माइनस, ये हो जाएगा 25 250 125 बाई 3 माइनस 200, तो 420 माइनस 50 हो जाएगा 375 माइनस 125 को 3 से करेंगे डिवाइड तो 41.67 और ये क्लोज माइनस 200। तो इस सबको सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करने पर जो आएगा, अब इसमें 41.67 भी और 200 दोनों ही माइनस होंगे 375 में से, कंज्यूमर सरप्लस निकल गया माइनस करने पर इसको 133.34, कंज्यूमर सरप्लस आ गया 133.34, दैट्स ऑल। पार्ट में हमें पी जीरो दे रखा है और पी दे रखा है जिससे हमें एक्स जीरो निकल जाएगा, जिसमें कंज्यूमर प्लस में फार्मूला निकल जाए। सरप्लस के लिए पी जीरो एक्स जीरो की जरूरत थी, जिसमें से पी जीरो हैगा, एक्स जीरो नहीं है, तो हमें इससे निकालना पड़ेगा, इसमें पी की वैल्यू पुट करके इसी को हम पी जीरो बना देते हैं, एक्स जीरो बना देते हैं, तो ये पी जीरो के लिए पुट कर देंगे इसमें, तो थी 64 85 माइनस 4x नॉट
और एक्स नॉट का स्क्वायर, फोर इधर चला जाएगा जीरो बन जाएगा, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जीरो इक्वल टू 85 माइनस 64 माइनस 4x नॉट माइनस x नॉट स्क्वायर। तो इसमें से माइनस कर लेंगे इसको, इधर इक्वल टू जीरो चलेगा, ये इसमें माइनस करने पे आया 21 माइनस 4x नॉट और x नॉट स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। इसको अरेंज कर लेते हैं पहले से, तो ये बनेगा x नॉट स्क्वायर 4x नॉट, ये आया था माइनस x नॉट और माइनस 4x नॉट, और ये प्लस 21 इक्वल टू जीरो। अब इसमें से हमें ए बी सी निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है ए एक्स नॉट स्क्वायर पी एक्स नॉट सी इक्वल टू जीरो। इसमें से ए बी सी मिल जाएगा, इसका मतलब ये माइनस के साथ वन है, तो ये आप ए की जगह पे माइनस वन लेंगे एक्स नॉट के साथ स्क्वायर के में, बी माइनस फोर सी 21। इसमें फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स नॉट माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी अपॉन टू ए, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इज माइनस वन और सी इज 21 अपॉन ए टू ए इज माइनस वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स नॉट, ये प्लस का फोर बन गया, प्लस माइनस ऐसे आ जाएगा, ये हो गया रूट 16 और ये माइनस माइनस प्लस 84 अपॉन माइनस टू, ये हो जाएगा आपका प्लस फोर प्लस 100 बन गया 16 और 84, 100 का रूट होता है 10 बाय माइनस टू। एक बार इसको हम प्लस में लेकर सोल्व करेंगे एक्स को, तो ये हो जाएगा आपका प्लस फोर प्लस 10 बाय माइनस टू, तो ये हो जाएगा 14 बाय माइनस टू, कैंसिल आउट होकर के माइनस 7, तो माइनस 7 तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो एक एक्स नोट हमारा आ गया माइनस 7, ये रिजेक्ट करना पड़ेगा, माइनस में नहीं होती यूनिट। फिर हम लोगों को एक बार क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे माइनस में, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 10 बाय माइनस टू, और ये सॉल्व करने पे आया माइनस 6 बाय माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 6 इक्वल टू 2 3, तो एक्स नॉट दूसरा आया 3, तो ये पॉसिबल है हमारा। एक्स नॉट कितना मिल गया हम लोगों को 3। अब हम लोगों को फार्मूला लगाना है कंज्यूमर सरप्लस का, तो कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला था एक्स नॉट 0 एफ एक्स डी एक्स माइनस पी 0 एक्स 0। एक्स नॉट हमारे पास दोनों में मिल गया, पी 0 हमारे पास क्वेश्चन में ही था पी नॉट, तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स नोट आया 3 और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यही पी जो है 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस पी जीरो इज 64 इंटू एक्स एक्स नोट इज 3। बस इसको सॉल्व कर देते आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर 85x माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, ये x की पावर 1 था, x पावर 1 प्लस 1 2, डिवाइड में 2 आ गया, 2 से 4 कैंसिल आउट 2 आ गया, x की पावर 2 है तो एक कट करेंगे 3 और डिवाइड में 3 आ जाएगा, लिमिट 3 और 0 पीछे आ जाएगी बेटा, और 64 इंटू 3 होता है आपका 192, और इसको इसके अंदर एक बार 3 पुट कर देते हैं, 85 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब बाई 3, 0 पुट करने में सारा 0 ही आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस 192, तो 85 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ गया 255, ये हो जाएगा 92 जा 18, इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 192 इक्वल टू 255 माइनस 27 माइनस 192, 25 माइनस माइनस ये ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 729 219, तो आ गया आपका 36, ये निकलेगा कंज्यूमर सरप्लस कंप्लीट। द सप्लाई कर्व, जब सप्लाई कर्व दिया होता है तो हमें प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए पूछता है, तो देखो इफ द सप्लाई कर्व पी इज इक्वल टू रूट 9 प्लस एक्स एंड द क्वांटिटी सोल्ड इज मार्केट इज 7, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सबसे पहले आपको पी दिया है और क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, एक्स हमारी क्वांटिटी होती है, तो ये एक्स नॉट ही होता है हमारा, एक तरह से एक्स नॉट आपको 7 दिया हुआ है, पी पी नोट यही होता है, पी भी यही है और पी नोट भी यही है, तो इसमें हम एक्स नोट की वैल्यू पुट कर देते पी नोट निकल जाएगा,
तो पी पी नॉट अंडर रूट 9 + 7 ये हो जाएगा पी नॉट इक्वल टू रूट 16 के लिए 4। तो पी नॉट भी मिल गया, एक्स नॉट भी मिल गया, पी पता ही है, फॉर्मूला लगा देते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस का। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स नॉट, पी पहले आ जाएगा इस बार इससे, और माइनस एक्स नॉट जीरो इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, जी एक्स हमारा पी ई था, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं पी नॉट 4, एक्स नॉट इज 7 माइनस एक्स नॉट इज 7 जीरो जी एक्स इज पी हमारा अंडर रूट 9 + x डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसकी हमें रूट हटानी पड़ेगी और ये हो जाएगा 28 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 0 9 + x की पावर करनी पड़ेगी 1/2 डी एक्स। तो प्लस 1 करेंगे इसमें पावर में, तो पी एस इक्वल टू 28 माइनस इंटीग्रेशन जो होगा 9 + x की पावर 1/2 + 1 / 1/2 + 1 और लिमिट आ जाएगी पीछे वो हो जाएगी 7 और 0। तो ये हो जाएगा पी एस इक्वल टू 28 माइनस, ये पावर ऐड करेंगे तो 1 + 1/2 को हाफ को 1 से ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5। तो आप इसको 3/2 ही रहने दो, सेम डिवाइड में 3/2 और लिमिट 7 और 0। अब ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, 28 माइनस 2/3 ब्रैकेट 9 + x की पावर 3/2 और इसको भारी कर दो 2/3 को और 7 और 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा क्या, 28 माइनस 2/3 ब्रैकेट, एक बार x की जगह 7 पुट कर देंगे, 9 + 7 की पावर 3/2 माइनस फिर से 2/3 आएगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू के साथ 0 और 7 पुट होना है, और 9 + 0 की पावर 3/2 हमारा ब्रैकेट होना था यहाँ पे पूरे का होल का। तो जब ये 28 माइनस 2/3 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 9 + 7 = 16 की पावर 3/2 और ये 9 ही रहेगा, 9 + 0 = 3/2, 28 माइनस 2/3 16 होता है 4 का स्क्वायर 3/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 होता है 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया कैंसिल आउट, 28 माइनस 2/3 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 28 माइनस 2/3 इंटू ये आ जाएगा माइनस करके 64 में से 27 37। तो ये बन गया आपका 28 और 37 टू जो होता है 74/3, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 74 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, ऐड करके आया 24.67, 28 में से इसको माइनस कर लेंगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस निकल गया 3.33। दैट्स ऑल, कंप्लीट है।